हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो 26 तारीख के दिन का ये वीडियो है। मैंने शाम में मेहंदी लगवाई थी हाथों में। मुझे ना कौन मेहंदी दिख गई थी, मार्केट गए थे जब पर्स लेने के लिए, तो फिर बस तभी मन हो गया कि चलो मैं भी मेहंदी लगवाती हूँ। तो फिर मैंने गांव से ही लड़की को बुला लिया था मेहंदी लगाने के लिए, और वो आ भी गई। वो भी फ्री थी, अगर वो फ्री ना होती तो शायद ना लगती, और अगर मैं लगाती तो एक ही हाथ पे हो पाती, दूसरे पे नहीं हो पाती। तो विपिन का नाम भी लिखा हुआ है, उन्होंने खुद ही लिख दिया था, क्योंकि वो जान मतलब पड़ोस से ही है तो उनको पता ही है विपिन वगैरह या हमारा सबका। तो यहाँ पे ये मेहंदी लग रही है। मैंने बोल दिया था कि मुझे ना इस तरीके से चाहिए। थोड़ी देर तक फोन नहीं चलेगा, अच्छा है कुछ देर दूर रहना चाहिए फोन से। अच्छी है, प्यारी लगाई वैसे। और इसका मोटा ही हो रखा है ना काफी। हाँ। है ना, देखो कितनी मोटी मोटी चल रही है। ये तो स्टार्टिंग में बहुत थी पतली पतली, काफी मोटी है ये। हाँ मैं तो पतली चाह रही, पतली जल्दी सूखती है ना, पतली की वो अलग ही आती है, ज़्यादा दिखती नहीं है फिर पतली, क्योंकि देखा है ना। तो मेरे को मेहंदी लग चुकी है और इस टाइम मेरे हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं, और मैं अभी यही हूँ। 8:30 बज रहे हैं, मतलब कोई काम धंधा नहीं बचा है मुझे। हम मैं बस पूरा दिन वेला पंक्ति कर रही हूँ ये देखो, और सुबह से ये ही होता है, जब ये उधर आ जाएं या मैं इधर आ जाऊं, और जब हम दोनों मिलते हैं तो ऐसे ही सुबह से रात कैसे होती है पता नहीं चलता है। क्यों, कल भी ऐसे हुआ था, कल भी। और जब हम ऐसे मिलते हैं तो ऐसा ही, 11 बजे आई। हाँ ऐसे ही होता है जब हम मिलते हैं, हम फिर 8-8 बजे उठते हैं कि हाँ भाई कुछ बनाना भी है, कुछ खाना भी है, तो चलो उठते हैं, वरना मैं भूख प्यास कुछ नहीं लगती बातों में। तो अभी जो है भाभी बना रही है खाना, खाना बन रहा है अभी। भाभी दाल तड़का लगाएंगी, ये देखो चमचमाती कढ़ाई। अभी जाऊंगी मैं परे, और परे जाऊंगी फिर देखते हैं क्या करते हैं कैसे करते हैं। मेहंदी सूख चुकी है, ड्रायर से हेल्प लिए मेहंदी सुखाने में। नेल पेंट लगाएंगे कल, याद रहा तो पता चला एनिवर्सरी पे भी नहीं लगी। हाँ पर ऐसे ले आएगा कार्तिक जाके ना, तो ये देखो सुंदर लग रही है ना, ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं नेल्स इसमें। तो ये आज दूसरा व्लॉग स्टार्ट हो गया है मेहंदी की वजह से, और इसको मैं कल तक कंटिन्यू रखूंगी। तो अभी जो है अगर मंगाना है तो पर ऐसे लगेगा विपिन आ गया। हाँ आए पापा, और उधर से मैं सोची पापा इधर आ गए होंगे, पापा इधर थे ही नहीं। मैं इस मेहंदी को कर लेती हूँ, जरा इधर की साइड पे ना झाड़ लेती हूँ इधर, है ना। तो गाड़ी में ना कोई आया है, है ना। हाँ पापा उधर ही है, उधर ही है। हाँ पापा उधर से ही बचा रही थी, देखा बाल मध्य 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 ठीक नहीं। हाँ जी हम आ गए फिर से, यहाँ खाना खाने आए हम, खाना खाने के लिए फिर आ गए हम खाना खाने के लिए। आज हमारा डिनर है यहीं पर, क्योंकि हमने मेहंदी लगवाई थी, तो फिर भाभी ने कहा हाथ नहीं धोने हैं, खाना मैं बना रही हूँ, यहीं खा पी के तब जाना। मैं जा ही नहीं रही थी, जाने ही नहीं दे रही थी। आज हमारी दावत है जो कि बहुत बार होती है, नहीं अच्छी है बहुत बार होती है, हमारा फेवरेट बना है खाना, कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल सभी के कमेंट्स जो है बहुत सारे थे,
मेरे ख्याल से 700-800 कमेंट्स हैं जिनमें आप लोगों ने मुझे बधाइयाँ दी हुई हैं, मुझे वेडिंग एनिवर्सरी विश किया हुआ है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम निकाला, देखा, मुझे मैसेज किया, विश किया, थैंक यू सो मच। और अभी अगला दिन है 27 फरवरी, एनिवर्सरी का दिन, और यहाँ पे देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैंने ब्लैक साड़ी पहनी है, साड़ी मैं दूसरी पहन रही थी, लेकिन जहाँ से मैं साड़ी निकाल रही थी ये साड़ी मुझे नज़र आई, क्योंकि इसका ब्लाउज ना दूसरी स्लीव्स में था, मैंने ठीक करवाया था, तो ये ऊपर ही हो गई थी फिर, तो मैंने फिर यही पहन ली। मैंने कहा चलो, फिर पहले मेरा मन था नहीं पहनूं, फिर मैंने कहा नहीं पहन लेती हूँ, ये बड़े मन से मैंने ब्लैक साड़ी ली थी। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने कानों के इयररिंग्स पहने, और ये मेरा ब्रेसलेट है। कल के वीडियो में शायद आप लोगों को इतना क्लियर ना दिखाऊं, क्योंकि मेरे को एडिटिंग करते हुए भी लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आज थोड़ा नज़दीक से दिखा देती हूँ, फिर तो ये सब कुछ लोकर में रख जाएगा कल, तो फिर कहाँ दिखाना होगा। तो ये देखिए, ये है मेरा ब्रेसलेट जो विपिन ने मुझे दिया है, और इयररिंग्स भी दिखा दूंगी मैं इसी वीडियो में। कल ये वीडियो हमने शुरू कर लिया था मेहंदी लगवाते हुए, और आज मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। देखो मैंने ये वाले इयररिंग्स पहने हैं, कैसे लग रहे हैं बताना ज़रूर, बहुत प्यारे लग रहे हैं मेरे को तो। और मैंने अपना ब्रेसलेट भी पहन लिया है, और अभी हम जा रहे हैं मंदिर, और अभी हमने रील भी बनाई है, फ़ोटोज़ वगैरह भी लिए हैं, क्योंकि फिर मेरे और विपिन के तो फ़ोटोज़ होते नहीं, मुझे बाल स्ट्रेट भी करने थे लेकिन राइट चली गई थी, फिर रह गए, अब आके कर लेंगे स्ट्रेट अगर करने होंगे तो। तो चलते हैं, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बात कर लूं, फिर हो नहीं पाएगी अगर अभी नहीं किया, पूरा घर ऐसे फैल गया ना, कहीं कुछ पड़ा है, नेल पेंट भी नहीं लगाया, आके लगाऊंगी नेल पेंट इसमें भी और उस वाले हाथ में भी, सुबह लगा रही थी फिर किसी बात में उलझ के रह गए, लगानी। मैंने अपना पर्स भी रेडी कर लिया, और मैंने ब्लैक साड़ी पहनी है। मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे आपने ब्लैक साड़ी क्यों पहनी, तो एनिवर्सरी पे तो पहन सकते हैं, हाँ जैसे त्यौहार का दिन होता है उस दिन नहीं पहनते हैं काला कपड़ा, या फिर कहीं पूजा मंदिर जा रहे हैं ऐसी, तो मैंने पहन ली बस ब्लैक साड़ी, और वो पिंक वाली, लाइट पिंक वाली साड़ी रेडी हो गई है, पर मैंने सोचा कि आके पहन लेंगे, मतलब देख लेंगे। तो सब आ गए हैं, भाभी और भी आ गए हैं, चलते हैं निकलते हैं। थ्रेडिंग वगैरह मैंने कुछ नहीं कराई थी, मन ही नहीं हुआ यार, मैंने कहा ऐसे ही, हाँ जी आ जाओ। हम चाची को झेलते हुए हम चल दिए हैं मंदिर जा रहे हैं, क्या बोलूं मैं खुद ही टूट गई मेरे साथ पैर रह के बेकार जो कर ले गुड्डू करने चलते हैं कार बीटी मंदिर कार बीटी नहीं तो आपको भी लेकर चलते हैं so, चलो इंटेलिजेंट बात करता फिर अरे काट दे तू। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं मंदिर, और आप लोगों को भी लेके चलते हैं, छोटे छोटे से देखो हमें छोटा सा डॉगी है, छोटा सा डॉगी कितना प्यारा। हेलो कैसे, हेलो हेलो, तुमने कोटी चलिए आपको दर्शन कराते हैं माँ के। इधर आओ बच्चों पहले, पहले इधर आओ, आओ गुड्डू हेलो करो, आप दिख ही नहीं रहे, ये क्या कर रखा है आपने आजकल, तन्ने पहले इधर मत्था टेकते हैं, अगर मंदिर के सामने तो झंडा हो ना उससे विश मांग लो, मांग लो आप क्या मांग लो, कुछ भी मांग लो, लेकिन बताते नहीं है, बताते नहीं है, मन में रखते हैं। गुड्डू को भी दे दो, तन्मय को, काके को,
थोड़ी तो बस ही है। तो अभी जो है भाभी मुझे शॉपिंग कराएंगी, मुझे गिफ्ट दिला रही है। भाभी मैंने बहुत मना किया, पहले तो मेरे हाथ में पैसे थमा दिए थे कि ले ले, मैं तो कार्तिक से गिफ्ट लूंगी, जल्दी से मेरे कार्तिक की अच्छी सी जॉब लग जाए, लाखों रुपए महीना वाली। क्यों भाई कार्तिक, लगेगी ना कार्तिक, कुछ ना कुछ तो करेगा कार्तिक है, फिर दिलाएगा कार्तिक मुझे। इसने मुझे पता है विश भी नहीं किया था, कह के मैंने कहा स्टेटस पे पिक लगा ले। शक्ल दिखा दे इसकी, ये रही शक्ल इसकी, शक्ल दिखा दे इसकी। स्मार्ट लड़का है लड़की बताओ, एक लड़की के तो बहुत कमेंट आते थे कार्तिक लक्की के लिए पढ़े थे। मैंने कहा अभी नहीं कर रहे भाई, अभी बच्चा ही है। तो भाभी अपने सब्सक्राइबर देखनी है और बैठी हुई हैं, और जैसे कि कल क्या आ रहा था कमेंट, पहले रश्मि लेती रहती, अरे भाई मैं उसी लिए नहीं लेती थी मैं। अब कल को देखो, कल को इन्हें कोई बोलने लगे कुछ, इनको भी रहेगा कि मैं ना लूं, ऐसे मन में आएगा ना, पता ही नहीं। तो इसलिए अब हमें क्या है, अब हम दोनों एक ही फील्ड में है। ये क्या हो गया कैमरे को एकदम इतना बुरा दिखा रहा था, ये फिर हो रहा है। तो अब देखो, अब हमें एक ही फील्ड में है, मैं इनके में आपको, अब हमारा है कौन, ये इनके हैं कौन, हम। बहुत बहुत धन्यवाद, शुरू हो गई अभी। तो अभी भाभी की तरफ से हम करेंगे शॉपिंग और आपको दिखाएंगे भाभी ने हमें क्या दिलवाया, अभी दिखाएंगे हम आपको। मैं सोच रही हूँ विपिन के लिए कुछ सरप्राइज लेकर आऊँ गिफ्ट, इसके साथ चलती है। हाँ मैं सोच रही हूँ कि मैं चली जाऊँ, अभी चली जाऊँ कपड़े चेंज करके, क्योंकि बस ये साड़ी तो हो गई, इतना ही था इस साड़ी में। अच्छी लग रही बहुत, तुमने पहनी नहीं साड़ी। ये ब्लाउज किसने सिला, ये भी हापुड़ से था, ये ऐसे था, वो वाली स्लीव्स थी, ये बलून स्लीव्स थी, फिर मैंने उनको दोबारा देकर आई थी, अभी मैंने कहा इसको ठीक करूं। अच्छी लग रही बहुत। तो अभी मैं अपना नया सूट पहनूंगी, आज तो दो तीन लिबास बदलने, हाँ हाँ, और साड़ी चेंज कर रही हूँ, और ये वाला जो गाउन था ना, जो मैंने गुड्डू के लिए मंगाया था, जो उसने जागरण पे पहना था, मैं वो वाला गाउन पहन रही हूँ, ये वाला पहले पहन के देखती हूँ, क्योंकि ये मैंने लूज कर लिया था, मुझे पता था इसने एक ही बार पहनना है, इसने वो भी एक ही बार पहना था जो शादी में पहना था, बहुत ही सुंदर सा। ये मैं जो है अब साड़ी चेंज कर रही हूँ ब्लैक वाली, क्योंकि मेरे से साड़ी वो नहीं हो रही है, और मेरा मन कर रहा है कि मैं चेंज करूँ। यस है तो प्लेन ही, बस इसमें ना ये सरोस की वर्क है जो चमक रहा है इस तरीके से। अभी मैंने ऐसे देखूंगी ना मैं, कैसे बनाते हैं मुझे तो शीशे वाली वीडियो का नहीं पता। मैंने चेंज भी कर लिया है, और ये जो मैंने बालों को स्ट्रेट भी कर लिया है, और गुड्डू को दिखाती हूँ गुड्डू क्या कर रही है। गुड्डू लेके आ गया, ये देखिए रात को दो बजे तक पड़ी है कि मुझे गुब्बारे तो फुलाने ही है। ये और
ये जा रही है क्या लेने के लिए जा रही है? गिफ्ट लेने के लिए जा रही है। ये देखिए ये सब कुछ। तो अभी मैं लगाने लगी हूँ नेल पेंट, पूरा डब्बा लेकर बैठ गई हूँ और इसमें देख रही हूँ कि कौन सी लगाऊँ, छाट रही हूँ और बाल स्ट्रेट कितने अच्छे लग रहे हैं ना, शीशे में इतने पता नहीं चल रहे थे, जितने एडिटिंग करते वक्त मैं देख रही तो अच्छे लग रहे थे। स्ट्रेट बाल तो अच्छे लगते ही है, देखो एक बार को इतना चलन हुआ था, अभी भी है सब लोगों स्ट्रेट कराने का और अच्छे भी लगते हैं, करवाने भी चाहिए, एक बार तो ट्राई करने चाहिए। बस ये है कि इनके बाद ना फिर बाल ख़राब हो जाते हैं। जब मैंने कराए थे आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मना किया था कि मत कराओ, लेकिन मैं मानी नहीं थी, मैंने कराए और फिर मैंने पिछले साल आप लोगों को याद होगा अपने बाल बिल्कुल कटवा लिए थे, बिल्कुल शोल्डर तक करवा लिए थे मैंने कि भाई मेरे जो पुराने बाल हैं वो चले जाएं, नए बाल आएं। और अब बढ़ भी रहे हैं मेरे बाल और मैं केयर भी कर रही हूँ इन बालों की बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ना बालों से बहुत प्यार है, चाहे वो मेरे हों चाहे वो गुड्डू के हों। और मेरी मम्मी को मेरे बालों से बहुत प्यार था, वो भी बहुत केयर करती थी बालों की, चाहे अपने बाल हो मेरे बाल हो, तो वही चीज़ मेरे अंदर भी आ गई है। तो नेल पेंट लगा रही हूँ और साथ में जो है मैं मासी से बात कर रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा कलर लगाऊं, तो मैंने ना गोल्डन कलर लगाया। मुझे गोल्डन कलर हो या जैसे ये शिमरी टाइप के नहीं होते, चिनकनी चिनकनी सी होती है जिनमें, वो वाले मुझे अच्छे लगते हैं तो मैंने लगा लिया है। तो अभी जो है मासियों को भी फोन किया है, वो लोग भी आ जाएंगे शाम तक। और अगले साल ना विपिन बोल रहे थे कि हाँ थोड़ी बड़ी एनिवर्सरी करेंगे, क्योंकि अगले साल हमारी 15वीं होगी, 15 साल हो जाएंगे। और 2009 में हुई थी तो 2009 के हिसाब से ऐसे होगा। मैं क्योंकि कल कंफ्यूज हो रही थी एक दिन और, मैं कार्तिक से करवा रही थी कि देखियो जरा गिन के। और अभी गुड्डू और लक्की गए हुए हैं गिफ्ट लेने के लिए। ना पीना ऐसे ही जो बाहर खाया था वही समोसा वगैरह, समोसा और ब्रेड पकौड़ा खाया था वही हुआ है। और मैं सोच रही हूँ कि चाय बना लूँ, थोड़ी थोड़ी सी चाय पी लेंगे। किचन में यहाँ पे जो है सब ऐसे ही पड़ा हुआ है सुबह जैसे, मतलब ऐसे नहीं है, गंदा नहीं है, सब एकदम समेटा हुआ पकड़ा, मेरी मलाई हो रखी है। और देखो इयररिंग्स आप लोगों को दिखे नहीं थे, पास से दिखा रही हूँ मैं, ब्रेसलेट तो मैंने इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। ये देखो ये इयररिंग्स, ये देखिए इयररिंग्स सुंदर लग रहे हैं ना। मैंने ये गुड्डू की वजह से ही लिए थे पतले पतले और उसको ही नहीं अच्छे लगे, उसकी वजह से लिए थे मैंने कहा ताकि वो आगे इस तरह के पहने, मुझे तो पहन के तो मुझे अच्छे लग रहे हैं। मैं विपिन के लिए सोच रही हूँ कि जाऊँ रिंग ले आऊँ उनके लिए, लेकिन फिर सोचू कि एक तो साइज़ की प्रॉब्लम होगी, तो देखते हैं। मेरी मेहंदी रंग गई खूब से, अच्छे से कलर आ गया। और ये भी मैंने पहना हुआ है, कल ही उतारूंगी इसको, बहुत डार्क। मैंने ये लाइट करवाए थे ना तो ये लाइट ही रहे हैं, बहुत डार्क। बह रही थी मेहंदी, बहुत ज्यादा बह रही थी मेहंदी, तो अभी जो है देखते हैं, वेट कर रहे हैं सबका, सब होते। गुड्डू ज्यादा वो करती है, उसने तो गाने वाने भी चलाए हुए थे, शाम हो गई पता भी नहीं चला। और ये दिन जिसका पूरा इंतजार किया अब निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। शाम का टाइम है, लगभग 6 बज रहे होंगे और देखिए कितने सारे बलून्स हो चुके हैं, गुड्डू आ चुकी है, हम लोगों की चाय पानी भी हो चुकी है। विपिन तो अभी नहीं आए हैं, वो तो शायद 7:30 बजे तक आएंगे, मैंने फ़ोन किया था उनको कि जल्दी आ जाना, तो उनकी जल्दी जो है 7:30 के लगभग उन्होंने बोला है, तो तभी उनकी जल्दी है आज। वैसे 8:30-8:15 तक आते हैं, उनके काम के ऊपर है, काम जल्दी हो गया तो जल्दी आ जाते हैं, काम लेट हुआ तो कई बार 10:30 भी बज जाते हैं। तो यहाँ पर जो है बलून सारे इकट्ठे करने हैं, नंबर वो होता है ना कि पूरा एनिवर्सरी मनाना है तो उसके लिए, और मैं फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रही थी इसके बीच में बैठ के। ये लड़की ना करने नहीं देती किसी को भी, कि जैसे हम बोले ना कि हम हेल्प करा देते हैं, नहीं
नहीं इसको लगता है जैसे हमें लगता है ना कि नहीं हम किचन में हम ही जाएंगे, हम खाना अपने आप बनाएंगे, अपने आप देखेंगे, ऐसे इसको हो रहा था। तो बस मैं तो इसको बैठ के देखे जा रही थी और मैं बोल रही थी बस इतना ही रहने दे, इतना ही रहने दे, मत कर मत कर। जब से ये बड़ी हुई है, मेरे ख्याल से ये तीसरी एनिवर्सरी है जो हमारी इस तरीके से डेकोरेशन के साथ होती है। 20 से शुरू हुई थी शायद, 20, 21, 22, 23, हाँ शायद चौथी है जो इतने अच्छे से होनी शुरू हुई है, वरना कहाँ होती थी। इसी को शौक रहता है, किसी का भी बर्थडे हो, कुछ भी हो, कि यहाँ ये करना है, वहाँ वो करना है, बलून्स का डेकोरेशन का ही रहता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी जो है ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था तो मैंने फिर जो है दो पार्ट में इसको रखा है। जो इससे आगे का होगा वो कल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं विपिन की फुल लुक आपको दिखा रही थी कि एक बार आप तो आ जाओ। ये आ गए थे 7:30 बजे के करीब ही आए थे, तो विपिन जी भी आ गए हैं, सब आ गए हैं, मासी अरु का इंतज़ार है। और आप लोगों से हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।